मूवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हेलो नमस्कार, तो मैं आ गया हूँ आपके लिए गिप्पी गरेवाल की मूवी अरदास करा के अपडेट लेके। साथ ही साथ इस मूवी को मैं आज कंपैरिजन करने वाला हूँ शडा मूवी के साथ। आपको पता है शडा मूवी लेटेस्ट पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी है, तो इन दोनों मूवीज़ के कंपैरिजन करूँगा। साथ साथ छड़ा मूवी के बारे में आपको बताऊँगा और अरदास करा मूवी के बारे में आपको बताऊँगा। तो पहले अरदास करा मूवी से स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको इस मूवी की एडवांस बुकिंग बताई थी, तो आज भी मैं वो बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैं बता दूँ, अरदास करा 19 जुलाई को रिलीज़ होगी, तो इस मूवी को 19 जुलाई को थिएटर में जाके देखिएगा, पायरेसी मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग जो हैं वो पायरेसी करते हैं, जिससे मूवीज़ को फ़ायदा नहीं हो पाता, फिल्म इंडस्ट्री आगे नहीं ग्रो कर पाती। इस मूवी के लिए इंटरेस्टेड जो लोग हैं वो देख सकते हैं आप। कल 2500 के आसपास लोग इंटरेस्टेड थे, आज देख रहे हैं आप कि 3000 होने वाले हैं, 2906 लोग इस मूवी के लिए इंटरेस्टेड हो चुके हैं, वो भी बात की जाए अगर बुक माई शो में। अगर थोड़ी इसकी डायरेक्टर की बात की जाए तो गिप्पी गरेवाल इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ लिखा भी गिप्पी गरेवाल ने है। गुरप्रीत आपको इस मूवी में दिखाई देंगे और जापजी खैरिया इस मूवी में दिखाई देंगे, खैरा और मेहर विज दिखाई देंगे, सरदार सोही दिखाई देंगे, योगराज सिंह दिखाई देंगे। इस मूवी में राइटर जिन्होंने डायलॉग वगैरह लिखे हैं वो है राणा, रणबीर और जितेंद्र शाह। चलिए अब इस मूवी की एडवांस बुकिंग देख लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ। तो एडवांस बुकिंग चंडीगढ़ की है, तो चंडीगढ़ में फर्स्ट थिएटर देख लेते हैं कि फर्स्ट थिएटर में मूवी की एडवांस बुकिंग कितनी चल रही है। देख लीजिए जी, चंडीगढ़ में पहले थिएटर में एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है, अराउंड 10-15% इस थिएटर में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मैं कुछ ही आपको थिएटर बताऊँगा, सारे नहीं बता पाऊँगा। और सेकेंड थिएटर चेक कर लेते हैं, तो सेकेंड थिएटर भी अगर आप देखेंगे कि इसमें एडवांस बुकिंग चली, देखिए इसमें भी अभी अभी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। टिकट प्राइस मैं बता दूँ कि 112 रुपये का टिकट प्राइस है थिएटर में, तो ज़्यादा महंगी टिकट भी नहीं है, टिकट भी सस्ती है अभी। तो अगर आपने एडवांस बुकिंग नहीं कराई तो पहले ही बुक करा लीजिए। PVR में चेक कर लेते हैं, और PVR में जब हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं PVR में भी जो इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, लोग टिकट बुक करनी स्टार्ट कर दी है। मैं आपको बता दूँ, पंजाबी फिल्में ज़्यादातर जो पंजाबी फिल्म्स होती है उनकी एडवांस बुकिंग पहले से लोग नहीं करते, ज़्यादातर लोग थिएटर में जाके टिकट बाय करना ही पसंद करते हैं। अब इस मूवी के बारे में और बातें कर लेते हैं, और पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर मैंने आपको अरदास करा की सारी बॉक्स ऑफिस अपडेट देने वाला हूँ, मूवी रिव्यूज़ देने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलते हैं नेक्स्ट शडा मूवी की और अरदास करा मूवी के कंपैरिजन की तरफ। अगर बात की जाए अरदास करा और शडा मूवी के कंपैरिजन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि अरदास करा मूवी को लीडिंग रोल में जो है वह हैं गिप्पी गरेवाल, शडा मूवी में लीडिंग रोल में थे दिलजीत दोसांझ। दोनों ही स्टार काफ़ी बड़े हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में। वैसे तो दोनों मूवीज़ का कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि एक जो मूवी है वो कॉमेडी मूवी थी और दूसरी जो मूवी है वो सीरियस मूवी है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने कहा कि कंपैरिजन करो, तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अरदास करा जो कि इसका पहला पार्ट है वो रिलीज़ हो चुका है, और वो पार्ट जो था वो बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रहा था, उसी के बेस पे ये सेकंड पार्ट भी बनाया गया है, क्योंकि जो इसके मेकर्स हैं उनको उम्मीद है कि जो इसका सेकंड पार्ट की जो कहानी लिखी गई है वो भी बॉक्स ऑफिस में सुपर ड्यूपर हिट रहेगी। वहीं शडा मूवी की बात की जाए तो शडा मूवी दिलजीत दोसांझ की वजह से चल पड़ी, क्योंकि दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग तबाही थी मूवी में, उस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, और दिलजीत दोसांझ कॉमेडी मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं, जो कि शडा मूवी के लिए परफेक्ट बैठता है। मैं आपको बता दूँ, जब शडा मूवी रिलीज़ हुई थी तो उसे 500 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया था इंडिया में, 300 स्क्रीन्स जो थे वो इंडिया में थे, पंजाब में थे, और 200 स्क्रीन्स पंजाब के बाहर थे, तो मूवी को काफ़ी फ़ायदा मिला था। लेकिन अरदास करा का केस थोड़ा अलग है, क्योंकि इस मूवी के साथ एक और मूवी रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है जुगनी यारादी।
और इन दोनों मूवीज़ में स्क्रीन्स डिवाइड होने वाले हैं। तो अरदास करा अगर इस मूवी को 350 से 400 के आसपास स्क्रीन्स मिलते हैं तो मूवी को फ़ायदा रहेगा और मूवी कलेक्शन भी अच्छा करेगी। अगर उससे कम स्क्रीन्स मिलते हैं तो मूवी को कहीं ना कहीं ड्रॉप देखने को मिलेगा और मूवी शड़ा मूवी की तरह फर्स्ट डे में कलेक्शन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। मैं आपको बता दूँ कि जो अरदास करा मूवी है वो बॉक्स ऑफिस में भी धमाकेदार कलेक्शन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इसे स्क्रीन काउंट कम ही मिलेंगे, स्क्रीन काउंट मूवी को ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मूवी अरदास करा के साथ रिलीज़ हो रही है यानी जुगनी यारा दी, उस मूवी के मुझे नहीं लगता कि काफ़ी दिन तक ये टिक पाएगी, क्योंकि अभी तक इस मूवी के बारे में मुझे किसी से रिक्वेस्ट सुनने को नहीं मिली है, कहीं मूवी का नाम में बड़ा स्टार देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है कि जब इस मूवी को एक वीक हो जाए उसके बाद अगर मूवी बॉक्स ऑफिस में अच्छा परफॉर्म ना करे तो इस मूवी के स्क्रीन जो है वो अरदास करा मूवी को दे दिए जाए, उस टाइम अरदास करा मूवी जो है बॉक्स ऑफिस में तबाही दार कलेक्शन कर सकती है। मैं आपको बता दूँ अरदास करा मूवी फर्स्ट डे में शड़ा मूवी की तरह कलेक्शन कर पाना मुश्किल है। अगर मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं मिलते तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलते हैं तो मूवी ज़रूर बॉक्स ऑफिस में तबाही दार कलेक्शन करेगी। मैं आपको बता दूँ कि गिप्पी गरेवाल के फैंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, पूरे पंजाब में गिप्पी गरेवाल के फैंस काफ़ी ज़्यादा है, और उसी की वजह से अगर इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले तो मूवी 2 करोड़ से ऊपर फर्स्ट डे में कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि शड़ा मूवी ने अपने फर्स्ट डे में 2 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया था नेट कलेक्शन, और वो काफ़ी बड़ी मूवी थी और उस मूवी को पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, और उस मूवी के पास स्क्रीन्स भी बहुत ज़्यादा थी, 500 स्क्रीन्स उस मूवी को मिली थी। लेकिन अगर अरदास करा को मूवी को अगर 400 स्क्रीन्स भी मिलती है और फर्स्ट डे में पॉजिटिव रिस्पांस भी आता है, अच्छा रिस्पांस आता है, तो मुझे लगता है कि मूवी 2 करोड़ का कलेक्शन जरूर क्रॉस कर जाएगी। और अगर मूवी को उससे ज़्यादा स्क्रीन्स मिलती है यानी 500 के आसपास स्क्रीन्स मिलती है तो हो सकता है कि ये मूवी शड़ा मूवी को एक दमदार टक्कर दे। तो आपको क्या कहना है इन दोनों ही मूवीज़ के बारे में, उनके बॉक्स ऑफिस कंपेरिजन के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्योंकि शड़ा मूवी का जो बजट था वो अराउंड 10 से 12 करोड़ के आसपास का बजट था और अरदास करा मूवी का जो बजट है वो बताया जा रहा है अराउंड 10 करोड़ के आसपास। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।